Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh and today we're going to continue where we left off yesterday. I'll give you a brief overview of yesterday's lecture or last time's lecture. In last time we discussed cost of capital. Well, we discussed the primary focus of our discussion last time was related to what is the cost of capital including flotation cost, and as per last lecture we discussed that it's how it should be treated or what is the impact of flotation cost. और इसमें एक चीज ये थी कि यार flotation cost होती है. जैसे last time भी हमने यही discuss किया था कि यार ये होती है. In theory, theoretically speaking, एक सबसे बड़ा जो problem आता है कि in financial theory या finance की theory के अंदर हम एक चीज assume हमेशा करते हैं और वो assumption क्या होती है कि there is no transaction cost. लेकिन real life में या हकीकत में हमेशा there is always going to be transaction cost, or whenever you talk about debt or equity issuance पे जो आपकी cost होगी. और उसमें मैंने हमने ये भी discuss किया था कि it's long and lengthy process. इतने easy नहीं होता as it is most of time mentioned in books. वैसे mention किया जाता है कि आपने cost इक्विटी फ्लोट कर दी, उससे रिलेटेड कॉस्ट वगैरह दे आर कंसिडर्ड एज नील. लेकिन रियल लाइफ में इट टेक्स ऑन एवरेज 5 to 10% फॉर गुड फर्म्स, एंड फॉर सम न्यू फर्म्स इट माइट बी रियली हाई. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दैट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलॉन्ग विथ वन थिंग दैट इज रिटेन्ड अर्निंग एज वेल. देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तो ठीक है, डिस्कशन हम करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है. लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि व्हाट इज इक्विटी. इक्विटी क्या है? दैट इज शेयर्स, या ये शेयर होल्डर्स है, या इश्यूएंस ऑफ फंड रेस्ड फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स. जो भी आप शेयर्स वगैरह या इशू करेंगे उससे जो भी आप पैसा रेस करेंगे या मनी आपने रेस किया है टू फंड योर प्रोजेक्ट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. और इसमें शेयर्स में यू हैव टू कीप इन माइंड वी डू नॉट टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात नहीं करते. Preference shares are not included, and that is ordinary shares. ये हमेशा जब भी इक्विटी की बात करेंगे ऑर्डिनरी शेयर की हम बात करते हैं. और हमने ये बात भी की थी कि इट इज इसकी जो कॉस्ट होगी दैट वुड बी ऑलवेज बी हायर देन डेट. एंड रीजन उसका क्या होगा? सिंपली इट हैज हायर रिस्क फैक्टर. हायर रिस्क किस सेंस में होता है कि लेट सपोज कि अगर एक कंपनी ने एबीसी ने शेयर इशू किए हैं, हम लोगों ने या आपने मैंने बाई कर लिए, उसके बाद हुआ क्या कि 2 साल बाद क्या हुआ कंपनी बैंकक्रप्ट होगी, तो उसमें क्या होगा कि पहले सबसे पहले डेट होल्डर्स को पैसा मिलेगा और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा देन शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा. यानी कि अगर कंपनी डूबती है या खत्म हो जाती है तो हमारे लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डेट होल्डर्स. क्योंकि डेट होल्डर्स क्या करेंगे? एसेट्स बेचेंगे कंपनी के, लिक्विडेट होगी, लिक्विडेटर एसेट बेचेंगे और डेट होल्डर्स को पैसा दे देंगे. लेकिन अगर उस पैसे में से कुछ बच जाता है तो तब शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा उसमें से रिकवर हो सकता है. इस बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कहते हैं, इसका रिस्क भी हायर है और इसकी इसी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं वो कॉस्ट भी हमेशा हाई मांगेंगे. सॉरी नॉट कॉस्ट, एक्चुअली दैट वुड बी फॉर शेयर होल्डर्स रिटर्न होगी और कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, दैट वुड बी कॉस्ट. तो वो क्या होगा, रिटर्न भी हायर मांगेंगे.
And that is the same thing we discussed. Minimum rate of return must earn for its shareholder maintain market value. अगर देखें, अगर आपके returns require shareholders के returns से कम होंगे, for example shareholders are requiring, let's say कि shareholders ने कहा भी require 15% returns, जबकि आपकी company ने जो दिए, company के returns जो हैं, they are only 12%. तो उसमें क्या होगा कि its value इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इट्स गोना गो डाउन सिंपली बिकॉज यू आर नॉट रीचिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. आप उन्हें नहीं दे रही है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं, आप उन्हें वो उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे. देखें, दो तरह से आपको रिटर्न मिलेंगे इक्विटी पे. सबसे पहले क्या है, डिविडेंड की पेमेंट. ये क्या होगी, हमेशा डिविडेंड की पेमेंट पीरियोडिकल होगी या एनुअल हो सकती है, सेमी एनुअली. कि ये कंपनी क्या करेगी, ये डिविडेंड की पेमेंट क्या होती है, दैट इज एक्चुअली अमाउंट पेड फ्रॉम प्रॉफिट या पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स जो कि कंपनी क्या करेगी शेयर होल्डर्स को देगी या देना चाहती है. दैट वुड डिपेंड अपॉन, वंस अगेन डिपेंड किस पे करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पे आउट रेशियो पे डिपेंड करेगा कि कंपनी की कितनी 50-50 पे आउट रेशियो है. तो इसका क्या मतलब, लेट्स सपोज कि कंपनी ने 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, तो वो क्या करेगी, 50% अपने पास रख लेगी प्रॉफिट, यानी 5 लाख अपने पास रखेगी और 5 लाख शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की सूरत में तकसीम कर देगी. और दूसरी क्या है, दैट इज कैपिटल गेंस. के कैपिटल गेंस की सिंपल सी एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से के यानी मैंने परचेज किया है शेयर लिए 1000 शेयर्स ऑफ एक्सेंट को, 1000 शेयर्स लिए हैं एट तो टोटल मैंने कितना इसमें लगाया, दैट इज मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग 10,000. यानी मैंने 10,000 1000 शेयर्स लिए 10 रुपए के, टोटल पैसा खर्च किया 10,000. दैट इज मैं कह देता हूं 2011 में मैंने लिए थे. नाउ इन 2013 क्या है कि इसकी वैल्यू जो है शेयर्स की एक्स एंड को के शेयर की वैल्यू जो है दैट इज 30 रुपीज, 30 रुपए हो गई है. तो अब कैपिटल गेंस क्या होंगे, अगर मैं ये बेच देता हूँ, ये जो 1000 शेयर्स हैं ये मैं बेच देता हूँ, तो यानी कि इसकी मार्केट प्राइस अब कितनी हो गई है, 30 हो गई है. परचेज प्राइस मेरी 10 थी, तो दैट मीन्स ईच शेयर आई विल गेट प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज, और शेयर्स मेरे पास 1000 थे, तो अब ये कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट दैट वुड बी 20,000 या 20,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. ये क्या होगा, दिस प्रॉफिट जो एडिशनल मैं कमा रहा हूँ बिसाइड्स डिविडेंड, ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेंस. इसे हम कैपिटल गेंस कहेंगे. वी गोना मूव फॉरवर्ड. देखें, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी की जब हम बात करते हैं, तो एक कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या जरूरत होती है, सबसे पहली चीज क्या है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की जरूरत होगी. अर्निंग्स होगी या रिटेन्ड अर्निंग, ये किस वजह से होगी, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल उसकी ये होगी कि लेट से कि एक कंपनी ने, वही कंपनी हम लेते हैं एक्सेंट को, इसका जो प्रॉफिट है दैट इज लेट से आई से रादर से कि 1 मिलियन उसका प्रॉफिट है, या उसने 1 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया. अब देखें, इसमें अगर पे आउट रेशियो इज
मैं अज्यूम करता हूँ कि इट्स 50-50। इसका क्या मतलब होगा कि 500,000 कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड की सूरत में पे कर दिया। इसका क्या मतलब है, दैट वुड बी लॉस, यानी कंपनी के पास से वो पैसा चला जाएगा शेयर होल्डर के पास और शेयर होल्डर उसका जो चाहे करें। और ये दूसरा जो क्या होगा, ये जो 500,000 होगा या 5 लाख रुपए है, ये क्या होगा, ये कंपनी ने क्या किया, रिटेन कर लिया है। तो ये रिटेंशन क्या होगी, अब ये 500,000 की जो रिटेंशन है, इसे कंपनी, मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के नाम से कह देता हूं, प्रोजेक्ट वाई में क्या कर देती है, इन्वेस्ट करती है और उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है या नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी या रेट ऑफ रिटर्न पे ही अभी हम फोकस करते हैं। लेट सपोज कर लेता हूं कि उसका 30% रेट ऑफ रिटर्न है, और ये तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 लाख क्या हो जाएंगे, दैट वुड मीन के 5 लाख अब 5 लाख नहीं रहेंगे, इसमें 30% ऐड हो जाएगा, जो कि अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी इन्वेस्टमेंट की, 500,000 प्लस 30%, एरो लगा देता हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस, यानी कि 5 लाख का में 30% फर्दर एडिशन हो जाएगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दैट वुड मीन कि अब ये इट्स गोइंग टू बी 650,000। अब वो इन्वेस्टमेंट 650,000 की होगी, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इस वजह से कंपनी के एसेट्स भी 1.5 लाख से या जो भी आपका रिटर्न है उससे बढ़ गए और कंपनी की टोटल वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसके एसेट्स में एडिशन होगी। ये वही आर्ग्यूमेंट है या नोशन है हम लेके चलेंगे कि कंपनी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टोटल या सम ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स। इसमें देखें एक चीज है कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, इसकी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, हमेशा वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में सर्व किया जाएगा या लगाया जाएगा पैसा, और उसके बाद क्या होगा, उनकी जो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होगी, ग्रो करती जाएगी, और ग्रो करेगी तो उन्हें कैपिटल गेन्स भी होंगे। यही वजह है कि आपके शेयर प्राइसेस, एक 10 रुपए की शेयर है स्टैंडर्ड पाकिस्तान में, इफ यू गो अब्रॉड, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप वगैरह की बात करते हैं या अमेरिका की, तो वहां पे क्या होगा, $1, 1 यूरो, या बर्तानिया की या यूके की बात करें तो 1 पाउंड का एक शेयर की ऑन फेस वैल्यू होगी या नॉमिनल वैल्यू होगी, लेकिन देर आर कंपनीज जिनके ये लाखों रुपए के बिक रहे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो होगा तो वो किस वजह से बिकते हैं, कि 1 रुपए की चीज मैं कहता हूँ कि 20 रुपए में बिक रही है, उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि उसमें शेयर्स की जहां तक बात है तो इसमें विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा, वैल्यू एडिशन होती जाएगी, और वो वैल्यू एडिशन किस तरह होती है, रिटेन्ड अर्निंग को जब कंपनी यूटिलाइज करती है या फिर दूसरे सोर्सेज से फाइनेंस इकट्ठा करके यूटिलाइज करेगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू बिल्ट अप होती जाएगी। ये वजह है कि रिसेंटली अगर आप देखें तो एक एग्जांपल पाकिस्तान की दूंगा, यूनिलीवर पाकिस्तान का जो शेयर है, दैट वाज अभी वो बाईबैक की बात कर रहे थे तो उसकी, दैट वाज रियली हाई, इट वाज नॉट इन हंड्रेड थाउजेंड्स पे उसकी बात हो रही थी। और इसी तरह एक जो है बर्कशायर हैथवे वॉरेन बुफे की कंपनी है, और इसकी एवरेज जो प्राइस है दैट इज, एवरेज शेयर प्राइस है दैट इज 100,000 US डॉलर्स, 1 लाख US डॉलर उसकी एक शेयर की प्राइस है। तो ये किस तरह बड़ी है, शुरू में स्टार्टिंग से उसकी इतनी प्राइस नहीं थी क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिटेबल वेंचर्स में पैसा लगाया और उसकी फ्यूचर वैल्यू या उसकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और इसी वजह से उसके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते चले गए हैं। जहां तक कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की आती है, मोस्ट ऑफ टाइम वी अज्यूम कि ये दे आर फ्री,
हम अजम्पशन ये रखते हैं कि अज्यूम ये करते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या है, कि कंपनी ने जो रिटेन्ड अर्निंग किया वो क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि कंपनी अपने आप को तो पैसा देने से रही। बाहर से अगर आप लेते हैं, शेयर होल्डर से लेंगे फंड्स, तो आपने उन्हें डिविडेंड्स देने हैं, और अगर आप डेट की तरफ जाते हैं या फिर आप अपने बॉन्ड्स डिबेंचर्स फ्लोट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट की सूरत में या सूद की सूरत में आपने पैसा देना है लोगों को। लेकिन जहां तक कंपनी के अपने फंड्स की बात है, तो यार ये तो कंपनी के हैं, वाई आर दे, तो इसकी कोई कॉस्ट होगी? वेल एक्चुअली दैट इज कि बिल्कुल होगी, और उसका रीजन क्या है, दिस मेन पॉइंट वाई, बिकॉज उसकी सिंपल सी वजह क्या है कि कंपनी क्या कर सकती है, लेट्स से कि एक्स वाई की एक्स एंड को की ही एग्जांपल को लेके जाता हूं, कि इसके पास रिटेन्ड अर्निंग मैंने अज्यूम किया था कि उसके पास कितनी है, 500,000। ये क्या थी, ये उसकी रिटेन्ड अर्निंग थी। इससे वो क्या कर सकती है, लेट्स से कि दैट मींस के ये क्या कर सकती है कि मैंने अज्यूम भी ये भी किया था कि इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है शेयर की, 30 रुपीज या डॉलर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, 30 रुपए का उसका शेयर चल रहा है, 5 लाख से वो क्या कर सकती है, अपने अगर 30 रुपए के हिसाब से शेयर्स परचेज कर ले, रीपरचेज करेगी। तो देखें, जहां तक शेयर रीपरचेज की बात आती है, लेट मी गिव यू ब्रीफ सा, एक आपको बताता हूं कि शेयर रीपरचेज होता क्या, कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी वुड बाय कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपरचेज करेगी। जैसे मैंने यूनिलीवर की एग्जांपल दी थी, दैट इज आई थिंक दैट वाज दे वर विलिंग टू बाय एट समथिंग लाइक 19,500 का तक का वो बाय करना चाह रहे थे अपने शेयर्स को। इसी तरह यू फाइंड कंपनीज के जिसमें क्या होगा कि दे वुड बी प्लेंटी ऑफ कंपनीज जो कि अपने शेयर को रीपरचेज करेंगी। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ता है या रीजन क्या है, उसका रीजन आपके ध्यान में क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? एक तो ये हो सकता है कि यार कंपनी ने अगर अपने शेयर बाई बैक करती है तो उसे क्या होगा, अगर बाई बैक कर लेते हैं, लेट से कि इफ आई से कि ये बाई बैक करना चाहती है, इसका 5 लाख प्रॉफिट था और ये 5 लाख की अर्निंग से बाई कर रही है, अपने बाई बैक क्यों करेगी या क्या रीजन होगा इसका, सिंपली टू सेव डिविडेंड्स नहीं पे करने पड़ेंगे उसे कंपनी को, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी रिटेन अर्निंग फ्यूचर में बढ़ जाएगी। देखें, एक चीज है कि एक्स एंड को की जैसे मैंने बात की थी, तो ये क्या हो गए, शेयर्स की कोई लाइफ नहीं होती, एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं होती। ये क्या होगा, लेट्स से कि कंपनी 1,000 साल तक, अज्यूम करता हूं कि 1,000 ईयर तक चलती रहती है इन फ्यूचर, तो हर साल उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिविडेंड की सूरत में उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन आज ही अगर वो बाई बैक कर लेती है तो उसे क्या, एक वन ऑफ पेमेंट करके फ्यूचर में उसकी काफी ज्यादा सेविंग होगी। जैसे कि गोल्डन हैंडशेक है, उसमें क्या है, वन ऑफ पेमेंट मिली है, कोई कंपनी या इदारा फ्यूचर में आपको जो भी आपकी सॉरी नॉट इंश्योरेंस एक्चुअली, दैट वुड बी मोर टू डू विद पेंशन वगैरह, जितनी भी होगी उसकी कॉस्ट का लायबल नहीं होता, या वो क्या कहेगा कि फ्यूचर में हमारे से कोई पेमेंट नहीं देंगे, हम आपको एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये लमसम पेमेंट लें, एंड दैट वुड बी इट। तो ये जहां तक शेयर रीपरचेज की बात आती है, दे एक्ट इन अ सिमिलर मैनर या सेम फैशन, उनका भी यही प्रोसेस होता है, ये सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाई होता है इस पे। इसमें देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की एक चीज ध्यान में रखें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रेट ऑफ रिटर्न दैट इन्वेस्टर रिक्वायर इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या वो रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि पास्ट में था। जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न हमेशा लो होगा, सिंपली बिकॉज नया नया बिजनेस होगा तो मोस्ट ऑफ टाइम इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा कि एकदम से बिजनेस जैसे ही चलता जाएगा, कंपनी की साख भी बनती जाएगी, और इसके साथ साथ उसके प्रॉफिट्स वगैरह भी इंक्रीज होते जाएंगे। नाउ वी कम डाउन टू मेन थिंग, दैट इज हाउ डू यू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ
इक्विटी एस्टिमेट कैसे करेंगे? एक तो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, दूसरा क्या है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या कैपएम, और तीसरा क्या है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्या है कि इसकी जो है ऑलवेज कीप इन माइंड अजम्पशंस जो हैं इसकी अजम्पशंस जो हैं वो ये होती है कि एक तो होती है आपकी अर्निंग्स वगैरह कांस्टेंट रहेगी, द सेकंड थिंग इज के पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कांस्टेंट रहेगी। इसमें देखें इसका सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी, जिसमें पी नॉट प्राइस होगी, डी वन वुड बी डिविडेंड या नेक्स्ट पीरियड का डिविडेंड, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड जी इज योर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसे अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो जैसे प्रीवियस हमने देखा था, इसमें देखें पी नॉट इज इक्वल टू डी वन बाय के माइनस जी, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम के इज इक्वल टू डी वन बाय पी नॉट प्लस जी। इसके एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें देखें एक कंपनी है अल्फा कंपनी, इसका ग्रोथ रेट कितना है, दैट वुड बी योर जी। इसमें फॉरसीएबल फ्यूचर का यह है कि इन्फिनिट, यानी कि काफी लॉन्ग टर्म है या काफी दूर तक। इसके स्टॉक की पी नॉट कितनी है आपकी, दैट इज 25, एनुअल डिविडेंड कितना था इसका, दैट वाज 3, ये क्या हो जाएगा आपका डी, देखें ये डी नॉट है। ओनली थिंग यू कैन डू, या अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दिस इनटू दिस फार्मूला जो के है डी वन बाई पी नॉट प्लस जी। इसके लिए एक जो चीज है कि दैट इज डी नॉट, उसकी वजह क्या है, लास्ट एनुअल डिविडेंड, तो इसे हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डी वन, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं कि $3 जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट कितना है 4% है, तो 0.04 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दैट वुड कम टू 3.12। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज ये आपके पास ये फार्मूले में वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड दिस आउट, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हुई हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी 16.48, और 16 यानी 16.5% इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। देखें इन ऑर्डर टू यूज के हम इस फार्मूले को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट यानी जी को एस्टिमेट करना पड़ेगा, और इसे कैसे किया जा सकता है जी को या ग्रोथ रेट को, एक तो यह होगा कि रेट्स प्रोजेक्टेड बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट ने जो भी प्रोजेक्शंस की हैं कि किस बेसिस पे करेंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट बायसनेस होगी, ये सेल्स पे देखेंगे, इसकी बेसिस होगी सेल्स क्या चल रही हैं या कंपनी की इनकम क्या है, अदर थिंग कुड बी ओवरऑल इंडस्ट्री की क्या कंडीशन चल रही है, ग्रो करेगी या नहीं, और इकोनॉमी कैसी जा रही है, और इसमें क्या एडिशन हो जाएगी मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है। देखिए
सेल की अगर बात करें, एक इंडस्ट्री जो है उस पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दी या वो डाउन जा रही है, लेट से कि एक वही प्रीवियस लेक्चर्स में जो स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि आप क्या कर रहे हैं, एसएलआर कैमरास यूज कर रहे हैं या वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि यार नॉन डिजिटल उसे कह देते हैं, नॉन डिजिटल कैमरास बना रहे हैं। हो सकता है अभी आपकी फर्म का काफी ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इसकी ओवरऑल इंडस्ट्री इट्स ऑलमोस्ट डन, दे हैव स्विच्ड ओवर टू डिजिटल कैमरास, यानी कि वो दूसरे कैमरास क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। इकोनॉमी की क्या है, इकोनॉमी अप होगी तो जनरली इंडस्ट्री और आपकी सेल्स वगैरह भी बढ़ेगी। और दूसरा क्या है, यूजिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं जिसमें क्या है, रिटेंशन इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी किसके बराबर होगा। देखें रिटेंशन की तो हमने जिक्र किया था, जैसे एक्स एंड को के केस में प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसमें एक ये ज्यूम करें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है और उसमें से रिटेन कितना कर रहे हैं आप, ये किसके बराबर हो जाती है, वन माइनस रिटेंशन रेट किसके बराबर होता है, वन माइनस पे आउट रेशियो। देखें वन माइनस क्यों होगा, कि हम कहते हैं कि आपकी रिटेंशन रेट या पे आउट रेशियो इज, वो ये ज्यूम करता हूं 50-50 एक्स एंड को की, तो इसमें क्या होगा, 50 इज योर डिविडेंड पे की सूरत में दिया और 50 आपने रिटेन कर लिया, तो ये क्या होगा, वन माइनस पे आउट रेशियो, पे आउट में क्या कितना पे किया आपने, 0.50 50% मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, वंस अगेन कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड टोटल प्रॉफिट को हम अज्यूम करते हैं, अगर वन होगा तो उसमें से कितने परसेंट आपने पे आउट किया है, ये क्या होगा 50% में हमेशा आपको दी होगी, परसेंटेज में इन्हें आप ऐड करेंगे तो दैट वुड मीन वन। इसमें एक एग्जांपल दी गई है, डेक्सटर स्टॉक सेल एट, या डेक्सटर का स्टॉक कितने का जा रहा है अभी, इसकी है जी स्टॉक की प्राइस है $21, अगले साल का डिविडेंड कितना है, $1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है आपकी, दैट इज 12%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर दैट रेफर बैक टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वंस अगेन क्या है कि इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू, आपको ग्रो करवाना नहीं पड़ेगा, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, $3 था तो हमने उसे क्या ग्रो करवाया था, वन प्लस जी से मल्टीप्लाई किया था। इसमें जी क्या है, वैल्यू आपके पास, यू गॉट जी, जी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है कहीं पे, नहीं, उसके लिए हमने क्या किया, रिटर्न ऑन इक्विटी और इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएगा, ग्रोथ रेट आपकी कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास 12% है और पे आउट रेशियो उसकी कितनी दी हुई है, दैट इज 40%, तो ये कितना हो जाएगा, इफ यू सॉल्व दिस दैट वुड बी 60.60, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.72 और 77.2%। और इसे अगर अब आपके पास जी की वैल्यू भी आ गई है जो हमने इस फॉर्मूले से ले ली और हमारे पास 7.2 है, इसमें अगर वैल्यूज प्लग इन करेंगे देन यू वुड गेट द आंसर, आपके पास कितना आएगा, दैट वुड बी 12% एज वेल। जहां तक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बात है, बहुत इजी है, जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशंस भी देखी हैं और आप लोगों ने भी देखा है। और जहां तक दूसरा इसका जो आर्गुमेंट आता है, दैट इज यार, ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का बहुत इजीली ये चीज आपको मिल जाएगी, ये हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ये मेंशन करेगी कि उसके कितने डिविडेंड है, कितने परसेंट वो डिविडेंड देगी, पे आउट रेशियो आपको इजीली ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि आपको वैल्यूज के लिए कोई इतनी ज्यादा सर्च आउट या हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स, वंस अगेन स्टॉक एनालिस्ट वगैरह से आपको पता लग जाएगा, इकोनॉमिक फोरकास्ट से पता लग जाएगा। अब हम क्या करें, इस ये मॉडल किधर फेल हो जाता है, बिसाइड्स इट्स अजम्पशन दिस मॉडल फेल्स
बिकॉज देर आर सेवरल कंपनीज दैट डू नॉट पे डिविडेंड, जिसमें एग्जाम्पल उसकी क्या होगी, गूगल, गूगल और एप्पल प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आज तक डिविडेंड, दे नेवर पेड डिविडेंड्स। इन्होंने कभी डिविडेंड ही पे नहीं किए। अगर आपके पास डिविडेंड ही नहीं है, हाउ आर यू गोना डू दी कैलकुलेशन, दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। और जैसे मैंने बताया कॉन्स्टेंट, जैसे हमने जस्ट अ क्विक राउंड ऑफ अजम्पशंस की बात की थी, अजम्पशंस क्या है, क्या ग्रोथ ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, और बाकी क्या है, दूसरे जो फैक्टर्स हैं मैं उन्हें कह देता हूँ अदर फैक्टर्स, ये क्या होने चाहिए, दे ऑल हैव टू बी, दे ऑल हैव टू बी कॉन्स्टेंट। यानी कि इसमें हम अज्यूम क्या करते हैं कि ग्रोथ रेट आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 10% ग्रोथ रेट है तो इनिशियल, तो या इस साल 10% ग्रोथ रेट है तो ये हमेशा के लिए 10% ही रहेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और अदर फैक्टर जैसे इकॉनमी कभी डाउन नहीं होगी, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं होंगे, कंज्यूमर वुड कंटिन्यू बाइंग योर प्रोडक्ट्स वगैरह बाई करते रहेंगे। इसके अलावा और क्या, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगी। जो दैट इज मेजर प्रॉब्लम कि रियल लाइफ में ये चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं रहती, और इसी की वजह से ये मॉडल क्या हो जाता है, और फेल हो जाता है। लेट सपोज कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन, आइडियल कंडीशन मिल भी जाए, लेकिन व्हाट अबाउट दी कंपनी, जैसे मैंने गूगल एप्पल वगैरह की बात की थी, दे नेवर पेड अ सिंगल पेनी ऑफ डिविडेंड, उन्होंने कभी डिविडेंड ही नहीं पे किया। तो डिविडेंड अगर नहीं पे किया तो आपके पास ये वैल्यूज ही, इफ यू लुक एट इट, इसमें अगर मैं कह देता हूँ कि इसी एग्जाम्पल में कि अगर आप एप्पल की एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। डी वन अगर आप इसकी वैल्यू क्या कर दें, जीरो करके कैलकुलेशन करें, तो आपके पास दे वुड बी, दैट मीन्स देयर इज नो आंसर टू इट, यानी कि आपकी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। नाउ वी कम टू द सेकंड अप्रोच, जो कि हमने पहले भी शुरू में डिस्कस किया था, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। इसमें अगर देखें, एनालिस्ट अक्सर वक्त ये अप्रोच यूज करते हैं। इसमें करते क्या है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट पे जितना भी होता है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, या वो लोग 3-5% ऐड कर देते हैं। इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर आप बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड, जितनी भी आपकी बॉन्ड यील्ड है उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे, और रिस्क प्रीमियम हमने पहले भी कहा है कि 3-5% होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दी है, डेक्सटर यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज 8% है, और एस्टिमेट उन्होंने कितना किया हुआ है, लेट सपोज कि उन्होंने 5% किया, तो दैट बिकम्स 13%। और इसके बाद हम विल कम डाउन टू वन ऑफ द मेन डिस्कशन पॉइंट्स, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉमनली नोन एज कैपएम। इसकी अगर आप बात करें, यह मॉडल क्या करता है, या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या व्हाई डू वी चूज इट। ये रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। और इसके साथ साथ ये यूज की तरह होता है, ज्यादातर यूज किया जाता है एसेट प्राइसिंग के लिए, या फिर रिस्की सिक्योरिटीज वगैरह की प्राइसिंग के लिए। ये सिक्योरिटीज मुराद ये होती है हमारी कोई भी सिक्योरिटीज, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वुड बी बॉन्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स वगैरह के लिए ज्यादातर होता है, वी कॉल ज्यादातर हम लेते हैं यही है कि स्टॉक्स वगैरह के या शेयर्स की प्राइसिंग के लिए भी यूज करते हैं। दैट इज इट्स फार्मूला। इसमें आप देखें, दैट इज योर कंपनी बीटा, रिटर्न ऑन मार्केट, एंड दैट इज योर रिस्क फ्री रेट। ये दोनों क्या होंगे, रिस्क फ्री रेट है, ये होगा एंड दैट इज योर बीटा और रिस्क कोफिशिएंट।
इसमें देखें रिस्क फ्री की जहां तक बात है तो ये आपको क्या बताया गया, गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के, इसे यूजुअली टी बिल्स भी कहते हैं हम, इन केस ऑफ पाकिस्तान इसकी एग्जांपल क्या होगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह पे जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री रेट। उसकी वजह क्या थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्यों लेते हैं, उसकी सिंपल सी वजह यह थी कि यार गवर्नमेंट के पास हमेशा से शुरू से अब तक और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा कि पावर ऑफ सॉवरेनिटी हम कहते हैं, यानी कि पैसा प्रिंट करने की ताकत होती है और गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है और पैसे को रीप्रिंट कर सकती है, रेस कर सकती है, जबकि कंपनी के पास ये पावर्स नहीं होती। एंड दैट इज के माइनस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क, इसे हम कहते हैं मार्केट प्रीमियम, यानी कि इससे मार्केट प्रीमियम से क्या मुराद होता है कि दैट इज सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ टेकिंग रिस्क। देखें इन्वेस्टर अगर कहता है कि यार 6% तो मुझे रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दैट मींस कि मुझे कितना मिलना चाहिए कि रिस्क ले रहा हूँ, तो दैट अप्लाइज कि यार मुझे 6% से ज्यादा हो। लेट सपोज कि इन्वेस्टर कहता है कि मैंने मुझे 10% चाहिए, तो 4% एक्स्ट्रा वो क्यों मांग रहे आपसे, सिंपली बिकॉज कि वो रिस्क ले रहा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके। इसमें जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है, ये बहुत ईजिली ऑब्टेन हो जाती है और कहां से होगी, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगी, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आपको ये मिल जाएगी। इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये आपको रिस्क फ्री रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड बीटा कोएफिशिएंट की अगर आप बात करें, बीटा होता क्या है कि कंपनी का रिस्क, दैट टेल्स यू अबाउट कंपनीज, कंपनी का रिस्क बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। इसकी एक एग्जांपल ये 0.9 बीटा का क्या मतलब है कि लेट्स से के मार्केट यानी कि 0.9 मैं कहता अज्यूम करता हूँ कि एक कंपनी का बीटा है, तो उसका क्या मतलब है या एप्लीकेशन उसकी क्या है कि अगर मार्केट 10% अप होती है तो आपकी कंपनी के स्टॉक कितना अप होगा, दैट मींस के आपकी कंपनी का 9% अप होगा। एट द सेम टाइम मार्केट गोज अप की जगह मैं कह देता हूँ डाउन बाय 10%, तो आपकी शेयर की प्राइसेस कितनी डाउन होगी, दे वुड नॉट बी डाउन बाय 10%, 10% डाउन नहीं होगी, सिर्फ 9% डाउन होगी। जितना कम बीटा होगा उतनी ज्यादा कंपनी क्या होगी, सेफ होगी या उसका रिस्क कम कंसिडर किया जाएगा। ये आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है एलडीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, और इसने क्या करना चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना चाह रही है ये कंपनी। इसमें देखें जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बीटा आपके पास कितना है 0.85 है और रिस्क फ्री रेट भी आपके पास को दिया हुआ 3.6, देन यू गॉट रिटर्न ऑन मार्केट या एवरेज मार्केट रिटर्न दे आर 11%। इसमें आप हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करें, रिस्क फ्री रेट 3.6% जो कि हमने कहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ट्रेजरी बॉन्ड्स पे आपको मिला है, बीटा 0.85 जहां से हमने कैलकुलेट किया ये आपको दिया हुआ है, और दैट इज द डिफरेंस मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट में, दैट कम्स डाउन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज 9.89 और 9.9%। यानी कि अगर उसने शेयर्स इशू करेगा तो उसे कितना रिटर्न देना पड़ेगा, दैट वुड बी 9.9%। अगर हम इन तीनों का, नाउ वी आर गोना कंपेयर दीज थ्री
हम इन तीनों मेथड्स को जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें क्या था आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था, एक हमने की थी रिस्क प्रीमियम अप्रोच, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया जो अभी हम डिस्कशन में लेके भी आए और कर भी रहे, यह है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कैपएम। इसमें देखें, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो आप यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि क्योंकि तीनों अप्रोचेस बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, तो तीनों से अगर आप डिफरेंटली आप करेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिफरेंट होगी, रिस्क प्रीमियम अप्रोच से करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी, और सेम थिंग अप्लाइज के कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे अगर आप के थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी काफी डिफरेंट होगी फ्रॉम दीज टू। इस अगर लेट्स से कि आपने ये तीनों मॉडल अप्लाई किए हैं और आपको तीनों में क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत डिफरेंट आ रही है, तो आप क्या करेंगे? वेल, यू नीड कौन सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑन जनरली स्पीकिंग ऑलवेज कैफएम को कंसिडर किया जाता है, इट्स सुपीरियर देन दीज टू टेक्निक, ज्यादातर इसे सुपीरियर कहा जाता है। इसमें एक और चीज है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की, बीटा वगैरह आपको अवेलेबल होगा कहां से? अगर आपने बीटा वगैरह की वो देखनी है तो आपको स्टॉक मार्केट्स पे मिल जाएगा ये हर कंपनी का। इसके अलावा ऑलवेज ब्लूमबर्ग इज वेरी गुड साइट, प्लस याहू फाइनेंस और इस तरह की जितनी भी फाइनेंशियल्स की साइट होंगी उस पर आपको ये चीजें यानी कि बीटा वगैरह मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द कंपनीज विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड? अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है तो दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि आप कहां से ये कैलकुलेशन करेंगे, या आपको पास डाटा नहीं मिला। लेट्स से कि इन वेबसाइट्स तक आपका एक्सेस नहीं है, यू डू नॉट हैव दैट एक्सेस, आपको पास एक्सेस नहीं है, तो आप ये बीटा की कैलकुलेशन के लिए यू नीड रिग्रेशन, और आपके पास एक्सेल वगैरह भी नहीं है, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि हाउ डू यू डू दैट। इन दैट केस सिंपल एज दैट, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यू वुड रादर यूज दिस फर्स्ट टू टेक्निक्स। इसमें देखें, कैपएम की एक जो अट्रैक्टिवनेस या मेन चीज है कि ये रिस्क को इनकॉर्पोरेट करता है। व्हाई वी टेक इन टू अकाउंट बीटा, बीटा कोएफिशिएंट को हम कंसीडर करते हैं। इससे पहले मॉडल्स में आप देख लें, देयर वुड बी कंपनी का स्पेसिफिक एक रिस्क जो है जो कि बीटा के थ्रू हम बताते हैं, जैसे जिसकी एग्जांपल प्रीवियस उसमें मैंने दी थी आपको स्लाइड में, 0.9 बीटा एक कंपनी का है तो उसका क्या एप्लीकेशन होगी। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को भी ये अकाउंट फॉर करता है, जबकि दूसरे मॉडल्स दे डू नॉट अकाउंट फॉर दोस रिस्क। नाउ वी कम डाउन टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, commonly known as WACC. इसमें देखें, इसमें होता क्या है इन जनरल या रियल लाइफ में क्या होगा, कंपनी के पास तीन मेन सोर्स होंगे कैपिटल के, जिसमें क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका लेट्स से कि मैं कह देता हूं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। Then we move to shares, जिन्हें हम इक्विटी कह देते हैं, और प्रेफरेंस स्टॉक जो कि इक्विटी और उसका हाइब्रिड किस्म का एक चीज होती है, या आप उसे प्रेफरेंस स्टॉक की जहां तक बात है या प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे। इसमें कुछ करेक्टर्स डेट वाले होंगे और कुछ इक्विटी वाले होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यू कंबाइन देम। सिंपल सी बात है, इन सारों को एक डिस्काउंट रेट पे आपने डिस्काउंट करना है, यानी इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सारों को कंबाइन कर देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या आता है,
दैट इज योर कॉस्ट के ए की, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कैपिटल से हमने कहा कि आपकी क्या होगी, कंपोनेंट कौन से हैं, इक्विटी होगी, दूसरा कंपोनेंट आपके पॉसिबल हो सकता है कि बॉन्ड्स होंगे, डेट होगी, और तीसरा कंपोनेंट प्रेफरेंस स्टॉक होगा। इसमें देखें डब्ल्यू डी वुड बी परसेंटेज ऑफ कैपिटल यूजिंग डेट, के डी कॉस्ट ऑफ डेट, दैट वुड बी योर परसेंटेज और वेट, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट वन माइनस टी। वंस अगेन ये आपकी प्रीवियस टैक्स शील्ड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। और उसके बाद क्या आ जाता है, देन वी कम डाउन टू डब्ल्यू पी, प्रेफर्ड स्टॉक की बात की है, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, देन यू गॉट वेट ऑफ दिस, वेट ऑफ इक्विटी और एंड देन दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, या उस पर कितने परसेंट आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड की सूरत में देने हैं, रिटर्न देने हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने परसेंट डिविडेंड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक होल्डर्स का क्या है। आप कर रहे हैं, यू सिंपली इन्हें अपने वेट्स वगैरह के साथ मल्टीप्लाई करें। और टैक्स इसमें हम हमेशा याद रखें, डेट के लिए हम प्रेफरेंशियल थोड़ी सी ट्रीटमेंट जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, हम जब भी डेट का जिक्र होगा वन माइनस टी यानी टैक्स शील्ड को इग्नोर नहीं करते। उसका रीजन सिंपली कि ये ओवर एंड ओवर हम डिस्कस करते आए हैं कि इसका रीजन क्या है कि आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है इंटरेस्ट। ये देखें, ये आपको एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.6%, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितना है 9.8 है, और कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है 6.5 है, मार्जिनल टैक्स रेट 35% है। और नीचे क्या है, इसमें क्या है, 1 मिलियन आपके पास का प्रोजेक्ट है जिसमें प्लान क्या कर रहे हैं कि 500,000 वो क्या करेंगे, डेट से फाइनेंस कर रहे हैं, यानी कि इस पे क्या होगी, ये जो भी 500,000 है इसमें टैक्स शील्ड की आपने अप्लाई करनी है, विच इज इन टर्म 1 माइनस टी, जिसमें टी क्या होगा, टैक्स रेट होगा। 400,000 इक्विटी से कर रहे हैं, 100,000 किधर से कर रहे हैं, प्रॉफिट स्टॉक्स। अब वेट्स की बात होगी तो टोटल इसके कितना हो जाएगा, दैट वुड मीन के डब्ल्यू डी वेट ऑफ डेट कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है दैट वुड बी 0.10, 10% होगा, और वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। जब भी आप ये कैलकुलेशन करें, सिंपल सा चेक है कि इसमें आप क्या करें, इफ यू एड देम अप दे शुड ऑलवेज कम टू व्हाट 1 आना चाहिए इनका टोटल वेट जो है। इसमें हमने यही किया है कि हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस वही वाली हैं जो हमने की, इस जस्ट पुट इन देम इनटू वैल्यूज में, या सॉरी नॉट वैल्यूज, एक्चुअली फार्मूला के अंदर हमने पुट किया, तो वी गेट 8.13%। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू मे नॉट हैव दिस, ये कंपोनेंट हो सकता है कि मिसिंग हो, हर कंपनी प्रॉफिट स्टॉक नहीं इशू करती, और अगर इफ यू डोंट हैव दिस कंपोनेंट, या आपके पास इक्विटी लाजमी तौर पे होगी, हर कंपनी के पास होगी, नो कंपनी इज 100% डेट फाइनेंस्ड और इक्विटी फाइनेंस, बहुत कम चांसेस हैं। तो इसमें क्या, प्रॉफिट स्टॉक का सिर्फ हो सकता है, इफ यू डू नॉट हैव प्रॉफिट स्टॉक सिंपली आप क्या करेंगे, दैट मीन्स इसका वेट जीरो होगा, और जीरो से मल्टीप्लाई जो भी होगा, तो ये भी अगर जीरो होगा तो दैट वुड मीन नेट इफेक्ट इस पे कोई नहीं होगा, और अदर वे अराउंड इज कि यू कैन इजिली टेक दिस आउट, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसका रैशनल क्या है, क्या रीजन है यार कि हम वैक को यूज करते हैं। एक तो ये है कि अकाउंट फॉर डिफरेंट कैपिटल कंपोनेंट्स है जो कि हमने मेनली जिक्र किया, देयर
थ्री या तीन है कैपिटल कंपोनेंट्स, उनका क्या करें विद रिस्पेक्ट टू वेट, वेट के रिस्पेक्ट से या वेट के हिसाब से हम उनकी कॉस्ट वगैरह देख रहे हैं और उसे अकाउंट फॉर कर रहे हैं। देखें इसमें इफ यू गो थ्रू द सेकंड पॉइंट के एक कैपिटल स्ट्रक्चर फ्यूचर में या उनका प्लान क्या है और उसके मुताबिक भी चलें, या लेट्स से कंपनी कहती है 50% डेट फाइनेंस होगी 50% इक्विटी फाइनेंस होगी, दोनों की कॉस्ट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे उसकी एडजस्टमेंट करें विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट। और इसमें क्या होता है कि समटाइम्स हम क्या कहते हैं कि इसमें एक हैरेंट अजम्पशन ये लेते हैं कंपनी अपने बेस्ट ऑप्टिमल कैपिटल बजट की तरफ या कैपिटल उसकी तरफ यूटिलाइजेशन की तरफ जा रही है, जिसपे क्या होगी जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था डिस्कस भी किया था, इस तरह का आपका ग्राफ बन रहा था एंड दैट वाज द पॉइंट जो कि क्या है जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या थी मिनिमम थी, वो कंपनी हमेशा क्या चाहेगी कि इस टारगेट पॉइंट तक जाया जाए। और इसमें एक ये चीज होती है कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इससे यानी कि आपका जो पोर्शन है कितने परसेंट इक्विटी हो कितने परसेंट डेट हो उससे कंपनी डिविएट करती है ऊपर या नीचे भी हो जाती है तो दैट इज शॉर्ट टर्म होगी, थोड़े अरसे की होगी, फ्यूचर में जाके वो हमेशा इस पॉइंट या ऑप्टिमम कैपिटल पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगी या उधर ही जाएगी। और इसी वजह से हम कहते हैं कि वैक को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए या हम लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी का टारगेट वंस अगेन दिस पॉइंट होगा जिधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी मिनिमम होगी एट, और ये क्या होगा बेस्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी होगा। और इसमें लास्ट पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, कंपनी कब क्रिएट करेगी वैल्यू जब उसके क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि लेट्स से 15% अगर रिटर्न मांग रहे हैं कि लेट्स अज्यूम ये करते हैं कि एक्स एंड को जो है इसका रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है या वो जनरली 15% है और इसका ये रिटर्न कितना कमा रही है रिटर्न, मैं इसे कह देता हूँ रिटर्न अर्नड, दैट इज समथिंग लाइक अज्यूम सपोज कर लेता हूँ कि ये भी 15% है, इसकी वैल्यू एडिशन होगी नो, सिंपली बिकॉज हम ये कहेंगे कि 15% कमा रही है तो ये 15% क्या होगा ये तो स्टॉक होल्डर्स या आपके जो भी हैं इन्वेस्टर्स हैं वो ही ले जाएंगे या वो रिक्वायर करें, आपने उन्हें दे दिया तो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं बचेगा ब्रेक इवन पे रहेगी। लेकिन अगर यही रेट ऑफ रिटर्न अर्न जो है मैं इसे इंक्रीज करके 25 कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा कि कंपनी हर साल 10% ग्रो करती रहेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर ये वही बात है जो हमने प्रीवियसली भी काफी बार डिस्कस किया है लेकिन वी आर रिपीटिंग इट या हम रिपीट करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको इसके काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिक्स ऑफ डेट प्रेफर स्टॉक इक्विटी ये क्या है, ये हम कहते हैं मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर कंपनी, एक कंपनी के लिए मेन सोर्सेज है और उसका बेस्ट मिक्स है वंस अगेन रेफर बैक टू प्रीवियस स्लाइड के जिसमें मैं छोटा सा ग्राफ बना के आपको बताया था कि ऑप्टिमम कैपिटल पॉइंट क्या होगा जहां पे ये सारों की कॉस्ट क्या होगी मिनिमम होगी। इसमें एक एग्जांपल दी गई है ये जो प्रीवियस आर्ग्यूमेंट था प्रीवियस स्लाइड में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके हवाले से, कंपनी में है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है 50% and 40% का एंड 10% ऑफ प्रॉफिट स्टॉक, एंड इसमें क्या है कि अगर इन ऑर्डर टू मेंटेन द टारगेट स्ट्रक्चर ग्रोथ कम्स टू 50% फॉर डेट, यानी कि क्या हो रहा है 50% फ्रॉम डेट हो रही है 40% फ्रॉम इक्विटी,
इसमें क्या होगा कि अगर आपने टारगेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होगा कि ये ऑप्टिमम क्या टारगेट स्ट्रक्चर है, ये कंपनी चाहती है कि इस पे हो कि 50% डेट और 40% इक्विटी और 10% प्रेफर्ड स्टॉक होंगे तो हमारी ग्रोथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसका रीजन क्या है, सिंपली बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोना कम डाउन। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात आती है और वो प्रोजेक्ट जो कि कंपनी के कोर बिजनेस से होंगे या जिन पे बिजनेस डिपेंड करता होगा, उसके लिए क्या होगा, कंपनी हमेशा उसके लिए एक सोर्स ऑफ फंड यूज नहीं करेगी या एक सोर्स को यूज नहीं करेगी, तीनों को यूटिलाइज करेगी। और कोशिश उसकी यही होगी, वंस अगेन रेफरिंग बैक टू प्रीवियस पॉइंट, के टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर के मुताबिक वो यूटिलाइज करें। इसमें है एक्विजिशन। हाँ, इसके अलावा एक जो पॉइंट है कि एक्विजिशन की बात आती है, मर्जर या एक्विजिशन की जहां तक बात आती है, तो उसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये कंपनी का कोर बिजनेस नहीं होगा। कंपनी का मेन बिजनेस ये नहीं है कि दूसरी कंपनियों को परचेस करती रहे। उसका मेन बिजनेस क्या है कि अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, लेट्स सपोज ए बी एंड को, मैं कहता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है यानी दवाइयां बनाने की कंपनी है, तो उसका मेन टारगेट क्या होगा, दवाइयां वगैरह बनाए उसे बेचे ताकि वो रिटर्न उसके आए और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, अपने वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, सो ऑन सो फोर्थ। उसका मेन बिजनेस ये नहीं होगा कि वो दूसरी कंपनियां परचेज करें। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि बी एंड को है, लेट्स इस आई पुट दैट ऑन ए एंड को है, वही फार्मास्यूटिकल की कंपनी जिसका मैंने बताया, एंड देन देयर इज बी एंड को, इसका मैं कहता हूं दैट इज लार्जर, ये लार्ज फर्म है और ये क्या है, ये छोटी सी फर्म है, स्मॉल फर्म है बी एंड को। तो ये क्या कहती है कि इसकी ये इट इज ग्रोइंग एट 10% इसकी ग्रोथ है एनुअल, मैं कहता हूं इसकी ग्रोथ 10% है और इसकी जो ग्रोथ है, छोटी कंपनी है लेकिन इसकी ग्रोथ 20% है। तो ए एंड को क्या कर सकती है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी, इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ये क्या करेगी, इसके क्या कर लेगी, इससे परचेज करेगी। और परचेज भी कैसे करेगी, इट्स गोइंग टू बी के 50% प्लस, यानी मोर देन 50% इसके शेयर्स को बाई कर लेगी। और इस परचेज को लेट से के इसके जो ये इसने परचेज किया है, इसने कहा है 60% परचेज, मैं अज्यूम करता हूं कि इसने बी एंड को के 60% शेयर्स परचेज कर लिए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू थी, वैल्यू भी इसमें लेट मी ऐड द वैल्यू, दैट वाज 100 मिलियन। तो ये इसने कितना दिया होगा, 60 मिलियन की पेमेंट जो है, 60 मिलियन की जो पेमेंट की है टू बाय दीज 60% शेयर्स, वो किधर से हो सकता है कि दे में से कि डेट जो है, दे आर गेटिंग अ लोन या डेट, दे कैन रेज डेट एट समथिंग लाइक 5% अज्यूम करता हूँ। तो क्या करेगी कि रादर देन स्पेंडिंग इक्विटी वगैरह स्पेंड करने के बजाय वो 100% डेट से इस वेंचर को फाइनेंस करे या एक्विजिशन को फाइनेंस कर ले, सिंपली बिकॉज उन्हें यह है कि यार 20% ग्रोथ रेट होगी तो हम 5% उसमें से दे भी देते हैं डेट होल्डर्स को, तो इट्स स्टिल बी गेटिंग 15% हमारे पास फिर भी बचत होगी। नाउ कमेंट्स ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्दर अगर कमेंट देखें तो इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसकी वजह क्या है, क्या कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, नया प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक है कंपनी है, वही मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए एंड को है, इसने एक प्रोजेक्ट लिया है कैंसर की, क्योंकि ये भी हमने कहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैंसर ड्रग बनाने का, तो इसमें क्या होगा, कैंसर की ड्रग बनाने का इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो देयर आर फेयर चांसेस के ये क्या होगा, इस प्रोजेक्ट क्योंकि नया है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा, गिवन दैट कि कंपनी ने प्रीवियसली कोई इस तरह का प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं किया, या कैंसर से रिलेटेड दवाइयां पहले कंपनी नहीं बनाती थी, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है इस वजह से ये काफी रिस्की होगा। इस इन दिस केस
वैक को क्या करना पड़ेगा, वी शुड एडजस्ट, वैक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किस तरफ करेंगे, लेट्स से कि आई वुड से कि वैक जो है आपका अज्यूम करता हूँ 15% आ रहा है, तो आप इसमें कहते हैं क्योंकि ये बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है तो मैं इसे मैं 5% फर्दर ऐड कर देता हूँ, कि क्योंकि अगर आप लोगों से फंड लेंगे तो उसमें क्या होगा, लोगों का ये हमेशा होगा कि यार हो सकता है कि आपकी ड्रग नाकाम हो जाए। और इसमें एक और जो रिस्क होगा वो ये होगा, बेशक आप कैंसर की ड्रग बना रहे हो, कोई और कंपनी आपसे पहले बना लेती है, ए एंड को के बजाय मैं कहता हूँ कोई एक्सेंट को है, इसने यही ड्रग पे काम शुरू किया और इसने बना ली, तो उसमें क्या होगा, इन दैट केस दे आर गोना बी द मार्केट लीडर, या उनकी ड्रग पहले मार्केट में आएगी तो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगी और आपके पास मार्केट शेयर या आपकी रिसर्च धरी की धरी रह जाएगी। और एट द सेम टाइम ए एंड को जो है कैंसर के बजाय मैं कहता हूँ ये डिस्प्रीन बनाने शुरू कर देती है, ऑलरेडी डिस्प्रीन बनाती है लेकिन ये क्या करते है? एक्सपेंड कर देगी, तो उसमें क्या होगा, कंपनी का रिस्क फैक्टर, इन दिस केस रिस्क फैक्टर क्या होना है, ये आपका रिस्क फैक्टर काफी लो होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी रियल लाइफ में क्या है, एक्सपर्टीज भी है और वो पहले से काम करती रही है, तो एक्सपर्टीज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके लोग क्या है, दे आर वेल ट्रेंड, और आपको पता है कि ये टारगेट मार्केट क्या होगी, इस वजह से दैट वुड बी रियली लो। इसमें अगर मैं कहता हूँ वैक वाज वंस अगेन 15%, आपके पास वही वैक आ रहा था, तो इसमें मैं कहता हूँ नहीं, आई टेक 3% ऑफ, इसमें से -3 कर दूंगा, वैक कितना रह जाएगा 12% होगा, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर के हमारी एक्सपर्टीज भी है और हमारा ऑलरेडी ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है सेगमेंट। और इसमें दूसरी पॉइंट क्या है, कई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसमें ओनली वन और टू फंडिंग सोर्स आप यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम कंपनी मार्क से एक डेट से फाइनेंस नहीं करते, हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी रिटेन अर्निंग है हम वहां से फाइनेंस कर लेते हैं, या जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल ली थी मर्जर की या एक्विजिशन की, क्या था ए एंड को ने बी एंड को एक्वायर किया, तो उसमें क्या होगा, रादर देन यूटिलाइजिंग इक्विटी वगैरह को यूटिलाइज करने के बजाय उन्होंने क्या कहा, सिंपली हम डेट से ही से फाइनेंस कर लेते हैं। एक चीज जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है इसमें क्या है, कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ, यानी कि कैश फ्लो में जो हम IRR प्रीवियसली भी हमने लेक्चर्स में देखा था NPV की कैलकुलेशन के लिए, हमें क्या यूज करते हैं, एक डिस्काउंट रेट, और वो डिस्काउंट रेट कहां से आता है, एंड दैट डिस्काउंट रेट इज एक्चुअली योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आता है। लेकिन इसमें क्या है कि लेट्स से कि कोई प्रोजेक्ट है इंटायरली 100% डेट से फाइनेंस किया गया, तो उसमें वैक की जगह बेहतर यह है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है आप उसी को इंक्लूड करें, और अगर कोई 100% इक्विटी से फाइनेंस किया गया तो आप क्या करेंगे कि उसे क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही लेंगे। इसमें एक और चीज क्या है, फ्यूचर कॉस्ट, एस्टिमेटेड एट मार्जिन और फ्यूचर कॉस्ट। देखें फ्यूचर कॉस्ट क्या होता है कि जून जो आप क्या करते हैं, लेट्स से कि आपकी डेट की अगर हम बात करते हैं, आपके पास 100 मिलियन के एसेट्स हैं और आपने डेट जो अकोमोलेट किए है अभी तक, आपके ने डेट जो लिया दैट इज 40 मिलियन की डेट लिया, आपके पास बैंकिंग में 100 मिलियन के एसेट हैं, अभी आपको जो डेट पे इंटरेस्ट रेट में पे करना पड़ा है दैट कुड बी लेट्स
अज्यूम मैं कर लेता हूँ 8% है, सिंपली बिकॉज आपके पास काफी ज्यादा एसेट हैं, डेट होल्डर्स या जो भी आपको डेट दे रहे हैं दे फील सिक्योर। अगर यही आप 80 मिलियन फर्दर, आप कहते हैं कि हमने फर्दर 40 मिलियन डेट लेनी है, तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आपका ये जो रेट है दैट कुड गो अप, लेट से कि मैं कहता हूँ कि मैं 12% मुझे चाहिए, सिंपली बिकॉज आपके पास एसेट कैपेसिटी बैंकिंग की एग्जॉस्ट होती जा रही है, क्योंकि मैंने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना है। तो इसमें क्या होगा कि इन दिस केस जो प्रीवियस उसका 8% था, लेकिन न्यू डेट है, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर इसके बाद काफी बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा आपकी कंपनी का, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि आपका नेक्स्ट वो क्या है, दैट वुड बी 12%। तो आपने फ्यूचर कॉस्ट आपने कंसिडर करनी, नॉट दी पास्ट वन और हिस्टोरिकल। इसमें देखें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट वगैरह वैक वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस या पास्ट के डाटा को यूज करते हैं, बट फ्यूचर कैश फ्लो विद फ्यूचर डिस्काउंट रेट, यानी कि प्रीवियस अगर आपने वो करने हैं तो उसे पास्ट के थे उन्हें पास्ट की कॉस्ट पे करें, जैसे इसमें अज्यूम किया था कि प्रीवियस किसी उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वो आप 8% पे ही करेंगे, और फ्यूचर के किसी कैश फ्लो को या फ्यूचर में आप कोई कैश फ्लो आना है उसकी अगर आपने वो करनी है, इवेल्युएशन करनी है, तो उसके लिए आप 12% डिस्काउंट रेट लेंगे। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस लिमिट्स टू यूज ऑफ डेट। डेट का हमने पहले भी कहा था क्या था, नोशन वही कैरी करते हैं, चीपर देन डेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड चीपर देन इक्विटी, और हकीकत में होती भी है क्योंकि इसमें रिस्क इतना एसोसिएट नहीं होता। रियल लाइफ में भी यही होता है क्योंकि रिस्क इसका काम है, जैसे आई हैव टू रिपीट इट या रिपीट कर रहा हूँ, रियल लाइफ या हकीकी जिंदगी में भी यू फाइंड द सेम सिचुएशन। लेकिन इसका ये वजह नहीं है कि 100% अक्सर औकात क्या होते हैं कि लेट्स से कि यार कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जहां तक बात करते हैं, इक्विटी की जो कॉस्ट थी जो हमने केई से भी वो की थी डिनोट की थी दैट इज 10%, और डेट की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज ओनली लेट्स से मैं कहता हूँ 6%। ज्यादा लोग क्या ये अज्यूम करेंगे यार वी शुड यूज डेट, 100% डेट से इसे फाइनेंस कर लेते हैं। इसके क्या है कि दैट इज नॉट रियलिस्टिक, उसकी वजह क्या है, ये प्रीवियस उसमें भी हमने देखा था कि डेट कैपेसिटी आपकी एग्जॉस्ट होती रहती है। देखें इसमें क्या है, टू लिमिट दैट रिस्क, क्या करेंगे अपने रिस्क को डेट होल्डर लिमिट या कंटेन करने के लिए, विल इवेंचुअली रिक्वायर दैट ओनर कंट्रीब्यूट सम इक्विटी, यानी कि आपने 100 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अपने डेट होल्डर से बात की, अपने डेट होल्डर से या फ्यूचर के डेट होल्डर से मुजाकरात किए कि हमें डेट से हमने फाइनेंस करना है, और इसका डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट है लेट से मैं कहता हूँ 8% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आपने क्या होगा कि क्योंकि इसमें रिस्क काफी ज्यादा हो जाएगा आपका, 100% डेट से फाइनेंस होगा तो डेट होल्डर्स को कहेंगे कि रिस्क ज्यादा है, तो आपसे क्या कहेंगे यू शुड एड सम इक्विटी, यानी कि दे में से कि 100 मिलियन में से 30% एटलीस्ट आप कंट्रीब्यूट करें या इक्विटी की सूरत में आप हमें दें। और जहां तक है डेट का क्या होता है कि डेट जिस तरह इंक्रीज करेंगे एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, या बैंक्रप्सी की कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी, सिंपली बिकॉज दीज डेट्स आर बैक्ड बाय एसेट्स, और जितने ज्यादा होगा डिले होता जाएगा या आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बैंक्रप्सी में, बैंक्रप्सी कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी, प्रीवियसली भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि एसेट्स आपके जितने ज्यादा आप क्रिएट करेंगे अगर ये पड़े रहते हैं नॉट यूज, दे आर नॉट यूज इन रियल लाइफ, क्या होगा इनकी वैल्यू देयर वैल्यू कम्स डाउन, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। मोर डेट विल लीड टू एजेंसी कॉस्ट ऑफ डेट, एजेंसी कॉस्ट किस वजह सूरत में होगी, एक तो ये होगी फ्लोटेशन की आपका इशू आ जाएगा,
जितनी बार आप डेट इशू करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। द अदर वन वुड बी, और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें क्या है, नाउ वी कम डाउन टू द एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क को कैसे एडजस्ट करेंगे। एक तो ये क्या है कि एक फैक्टर आपने देखना है, जैसे इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने जिक्र भी किया था, आई थिंक दैट वॉज ए एंड को, जो कि क्या है, मैं करता हूँ कि ये फार्मास्यूटिकल में, फार्मा सेक्टर में काम कर रही है, और फार्मा सेक्टर में क्योंकि काम कर रही है, और ये क्या है, इसने कभी नॉर्मल ड्रग्स बना रही है, नॉर्मल ड्रग्स बना रही है इसने कभी, और अब ये क्या कर रही है, दे आर कंसिडरिंग एक ड्रग बनाना चाह रही कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए। इसमें क्या होगा कि इसका बेशक कोर बिजनेस फार्मा में है, लेकिन दे हैव नेवर डन इट, तो इसमें क्या होगा कि इसमें न्यू प्रोजेक्ट है, ये क्या है, हमने कहा न्यू प्रोजेक्ट है, तो इसमें रिस्क क्या होगा, रिस्क हमेशा ज्यादा होगा, सिंपली बिकॉज उनकी प्रीवियस उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। और इसके लिए क्या होगा कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे प्रीवियसली मैंने अज्यूम किया था कि 15% है वैक, आई एम गोना टेक दैट एग्जांपल फॉरवर्ड, 15% ये आपका वैक हमने अज्यूम किया था वैक है, तो क्योंकि कैंसर न्यू प्रोजेक्ट क्या है, मैं इसे कह देता हूँ प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट एक्स जो है इसके लिए हमने क्या कहा है कि इसका क्योंकि रिस्क फैक्टर मैं कह देता हूँ एक्स्ट्रा 5% रिस्क, रिस्क ज्यादा इसलिए एक्स्ट्रा 5%, तो अब ये टोटल आपका कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट वुड कम टू 20%। और ये किधर से मैं कैलकुलेट करूंगा कि यार ये 5% क्यों है, हाउ डू आई कम टू दैट, फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को एनालाइज, प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमें क्या था, ये सिमिलर कोई किसी कंपनी ने, मैं कहता हूं कि ये बी एंड को जो थी उसने इसी तरह का प्रोजेक्ट लिया था, बी एंड को जो है उसने भी यही इसी तरह का सिमिलर कोई प्रोजेक्ट किया था, तो उस पे क्या थी, उसकी एस्टिमेशंस को भी मैं यूज कर सकता हूं। वंस अगेन इसमें क्या गया कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, इज डिस्काउंट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उसे किस पे, उस डिस्काउंट रेट पे आप डिस्काउंट करें जो आपने एक्चुअली अप्लाई हो रहा है या आपने फ्यूचर में जाके पे करना है या करंटली पे कर रहे हैं। एडजस्टमेंट फॉर बीटा, बीटा की जहां तक बात है हमने पहले भी जिक्र किया था, इसका ये क्या है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को मेजर करता है या कंपनी का रिस्क विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। इसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं कि बीटा की कितनी है, हम तीन कॉन्सेप्ट लेते हैं, इक्विटी बीटा जिसमें क्या है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क को यह मेजर करता है, या लेवरेज बीटा और कंपनी बीटा, ये जनरल होगा, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होगा कंपनी के ऑपरेशंस को या इसकी डे टू डे रनिंग, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक, एक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर बात करें तो उसका ऑपरेटिंग रिस्क क्या होगा कि उसका कंपटीशन बढ़ जाता है, उसकी ड्रग्स अनपॉपुलर हो जाती या पॉपुलर नहीं रहती,
ऑब्सोलीट हो जाती हैं, थिंग लाइक दैट. फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, हाउ आर दे गोना रेस. फाइनेंस और फंड्स, फ्यूचर में अगर उन्हें फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो तो वो कहाँ से फंड रेज करेंगे या कितने उनके पास क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं. एसेट बीटा की जहाँ तक बात आती है, इसमें अज्यूम ये करते हैं कि अगर कंपनी 100% क्या हो, इक्विटी से फाइनेंस हो, तो उसमें क्या हम वो करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनलेवर्ड बीटा, यानी लिवरेज से मुराद हमारी डेट का इफेक्ट होता है, और अगर अनलेवर्ड हो यानी डेट का इफेक्ट अगर हम रिमूव करें तो उसमें व्हाट वुड बी द इफेक्ट. हंड्रेड परसेंट अगर इक्विटी से फाइनेंस होगी फर्म, तो उसमें क्या होगा कि उसका इक्विटी बीटा और आपका एसेट बीटा दे वुड बी सेम, सिंपली बिकॉज उसमें डेट का कोई जिक्र नहीं होगा. और इसमें क्या है, डेट बीटा, रिस्क ऑफ डेट ऑफ एंटिटी. अगर डेट रिस्क फ्री है, या उसमें क्या है, डेट बीटा वुड बी जीरो इफ डेट इज रिस्क फ्री. यानी कि अगर आप आरएफ पे कोई डेट ले लेते हैं रिस्क फ्री रेट पे, मैं कहता हूं कि आपने 1 मिलियन बोरो कर लिया, तो क्या होगा आपका डेट बीटा कितना होगा, इफ डेट वुड बी सिंपली जीरो. उसकी वजह क्या है, रिस्क फ्री रेट पे आप बोरो कर रहे हैं. रिस्क फ्री रेट को हम बॉटम लाइन के तौर पे लेते हैं. एंड दैट्स इट. इंशाल्लाह इन फ्यूचर लेक्चर और इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोना डिस्कस इसे, इसी को हम डिटेल में लेके जाएंगे इसी टॉपिक को. एंड वी गोना सी, या हम देखेंगे और डिस्कशन भी करेंगे कि हाउ डू यू कम कि एक अगर इक्विटी बीटा को आप एसिड बीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे या अनलिवर कैसे करेंगे. दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.